मोबाइल फोन सहूलत भी और जरूरत भी, इसके बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस इससे सिक्योरिटी के कुछ खतरात पैदा हुए, तो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल फोन सिमों की तस्दीक का निज़ाम वज़ा किया, जिसके लिए सार्फिन को 1 माह का वक्त दिया गया और इस दौरान रोजाना 1 लाख से ज्यादा अफराद ने अपनी सिमों की तस्दीक करवाई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में गैर रजिस्टर्ड सिमें ही चल रही हैं। मसरूफियत की वजह से अपनी सिम अपने नाम नहीं करा सकी और मुझे डर है कि मेरी सिम अब बंद ना हो जाए। मोबाइल फोन सार्फिन की बड़ी तादाद ये शिकवा करती हुई भी नजर आती है कि उन्हें तस्दीक के निजाम के लिए उनके नेटवर्क की जानब से मुनासिब अंदाज से इतलात और रहनुमाई नहीं मिल सकी। एटलीस्ट जितने भी नेटवर्क वाले उनको चाहिए कि हम लोग एक मैसेज या कॉल जरूर करें कि हमारा नंबर बंद करने लगे, बिकॉज जिनको नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था, यू जस्ट टोल्ड मी, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत शॉकिंग हो, एकदम से नंबर ब्लॉक हो जाए। जो डिपार्टमेंट है हमारा टेली कम्युनिकेशन का, उनको ही कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए कि बगैर रजिस्ट्रेशन के, विदाउट रजिस्ट्रेशन सिम ऑन ही नहीं होनी चाहिए। 10 करोड़ से जायद सार्फिन में से वो अफराद इंतहाई मुतमिन नजर आते हैं जिन्होंने इस वक्त से फायदा उठाकर सिम अपने नाम रजिस्टर्ड करवा ली। मैंने अपने मोबाइल की सिम अपने नाम करवा ली है, अब मुझे ये डर नहीं है कि मेरा नंबर ऑफ हो जाएगा। मेरी सिम तो शुरू से रजिस्टर्ड है मेरे नाम पे, तो मतलब कोई परेशानी नहीं है। पीटीए का कहना है कि तस्दीक के वजह करदा तरीकाकार के मुताबिक रजू न करने वाले सार्फिन के बारे में जल्द आइंदा लाहे अमल का ऐलान कर दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड सिम आपको आपके दोस्तों और दुनिया के साथ राब्तों के हक से महरूम कर सकती है, इसलिए रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल करना हमारे अपने मुफाद में है। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ ननकानवी के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।